कर रहे हैं वो डिजिटल लिटरेसी स्प्रेड करना, ये डिमांड जैसा बताया गया कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट। दयानंद कॉलेज अजमेर और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में ये 3 दिवसीय युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के कुल 9 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। आज इसका अंतिम दिन है। पहले 2 दिन जो सत्र आयोजित किए गए हैं उसमें प्रथम दिन जो है चोयल इंडस्ट्रीज़ के निदेशक श्री आर एस चोयल साहब ने नेतृत्व एवं संवाद कौशल पर अपना व्याख्यान दिया था, और उसके बाद योग और आत्मरक्षा प्रशिक्षक भारती राजौरिया और रंजीत पांचाल ने युवाओं को आत्मरक्षा और योगाभ्यास की विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाया। दूसरे दिन प्रथम सत्र में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नेहा सिंह, उन्होंने स्पोर्ट्स एवं बायोसाइंस पर युवाओं को करियर किस तरह बनाना है उस पर अपना विचार व्यक्त किया था। और आर्यभट्ट इंजीनियरिंग कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर धनी मिश्रा ने सॉफ्ट स्किल के माध्यम से युवाओं को किस तरह अपना करियर बनाना है इस पर अपने विचार व्यक्त किए थे। आज अभी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनुपात्रे हैं, ये डिजिटल लिटरेसी पर अपना व्याख्यान दे रहे हैं और युवाओं, ये सबसे अच्छा अभी जो है बिल्कुल एक आम भाषा में ये अपना व्याख्यान दे रहे हैं जिसमें युवाओं को ये बताया जाएगा कि किस तरह वो अपने मोबाइल के माध्यम से विभिन्न ऐप जो वो यूज़ कर रहे हैं उसमें किस तरह सतर्कता बरतेंगे वो, और मनी ट्रांसफर की विभिन्न गतिविधियों से वो अवगत कराएंगे। मैं भारत भूषण शर्मा, युवा विकास केंद्र, दयानंद महाविद्यालय, अजमेर।